हैदर हूँ और बलूचिस्तान बार काउंसिल से मैं एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मैं विमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट बलूचिस्तान की जानिब से बलूच मिसिंग पर्सन कैंप में आज आई हूँ, जो वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन की एक तहरीक है, उसका मैं आज हिस्सा बनी हूँ। आज हमारे साथ सीमा बलोच और उन जो है शबीर बलोच की सिस्टर, जो गुज़श्ता 2016 से मिसिंग है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज के हाथों से मिसिंग है, और उनकी सिस्टर वाइफ के साथ बैठी हुई हूँ। हमारा मुतालबा बहुत सिंपल है, मैं इनके डिमांड को इंडोर्स करती हूँ, जो ये कह रहे हैं कि अगर इनके भाई ने कोई जुर्म किया है तो उनको अदालत में पेश करें। पाकिस्तान के आईन के मनाफी ये जो हरकतें हैं जो हमारी रियासती इदारे कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में इससे वो पाकिस्तान के साथ मुखलिसी नहीं, दुश्मनी कर रहे हैं, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर शबीर ने कोई जुर्म किया है तो उसको अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए, बशमूल जितने भी बलोच मिसिंग पर्संस हैं। इस तरह से आप जो जीनोसाइडल प्रोसीजर का हिस्सा हो, लोगों की आवाज़ दबाते हो, इससे तो शायद तहरीकें तो दम नहीं तोड़ेगी। अलबत्ता ये है कि लोगों के दिलों से आप लोगों की जो मोहब्बत है वो ख़त्म हो रही है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि सूबाई हुकूमतों के पास आईन के 18वीं तरमीम के बाद से जो है इख्तियार है कानून साजी का, तो मैं चाहती हूँ कि अगर हुकूमती जमातें नहीं तो कम से कम सरदार अख्तर मेंगल और सना बलोच जो है उनकी पार्टी जो है वो इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस पे कानून साजी करे और ये दिखाए कि वो इस इशू को बहुत सीरियस देख रहे हैं, वो इस इशू का तदराक करना चाहते हैं, वो इस इशू को ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसा कानून साजी के जिसमें जो मुलविस अनासिर है, इस तरह से जो गैर इंसानी कामों में मुलविस है, उनको कटहरे में लाया जाए, और जो लोग रिकवर होकर घरों में आते हैं तो सरकार को पाबंद किया जाए कि उनके घर वालों को कंपनसेशन पे किया जाए, चाहे वो किसी भी इदारे के हिरासत में हो, क्योंकि रियासत का काम यह है कि वो अपने शहरियों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, रियासत का काम यह है कि वो अपने शहरियों को राइट टू फेयर ट्रायल दे, उनको अदालतों तक रसाई दे। रूल ऑफ लॉ यही है कि नो पर्सन शैल कंडेम अनहर्ड। तो जब ये बातें हैं तो जो शख्स या जो इदारे ऐसी हरकतों में मुलविस है वो पाकिस्तान का कम अज़ कम खैरख्वाह नहीं है। और बलोच मिसिंग पर्सन का इशू जो है, जो गुज़श्ता 15 सालों से बहुत सीरियस एक क्राइम की शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस पर फिर लोग गिला ना करें कि इसके असरात मनफी है, या हमारे साथ कोई जो है वो जो गिला करते हैं कि ये मुल्क दुश्मन है या गद्दारी है। आज एक बेहद